नमस्कार दोस्तों, मैं सृजन स्वागत करता हूं कोको इंग्लिश अधिकारी के YouTube ऑफिशियल चैनल पर आज सभी का। आज इकोनॉमी के अंदर हम देखेंगे गरीबी, गरीबी यानी पॉवर्टी, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में ये सामने आता है एग्जाम्स के अंदर। सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, पहले डेफिनेशन भी देखेंगे और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमी में समझना, तो समझने का प्रयास करेंगे। समाज में स्वीकृत आर्थिक स्तर से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जाता है और उनकी इस अवस्था को गरीबी। तो ये क्या है, ये आर्थिक स्तर जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्वीकृत आर्थिक स्तर। देखिए, समाज में और इंडिया में यदि मैं बात करूं तो स्वीकृत आर्थिक स्तर का नाम है पॉवर्टी लाइन। ठीक है, पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा। पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने लोग हैं वो कहलाते हैं, आपने सुना होगा, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, और इसके ऊपर जो लोग हैं वो कहलाते हैं एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है ये एक आर्थिक स्तर है जिसके नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जाता है और उनकी उस अवस्था को क्या कहते हैं हम, गरीबी। गरीबी को निर्धनता भी कहते हैं। तो निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज का एक भाग अपनी मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है, और निर्धनता के कारण क्या होते हैं, बहुआयामी। अब देखिए, निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज का एक भाग मूल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। मूल मानवीय आवश्यकताएं क्या है, देखिए, रोटी कपड़ा मकान से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीजें जो है मूलभूत आवश्यकताओं में आती हैं। यानी घर हो आपके पास रहने के लिए, छत हो, पहनने के लिए कपड़े हो, खाने के लिए दो वक्त का खाना हो, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य भी आपके परिवार को मिले, तब तो आप क्या कहलाएंगे, अमीर कहलाएंगे। नहीं तो यदि आपके पास ये मूल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आप असमर्थ हैं तो आप निर्धन कहलाएंगे, और ऐसी स्थिति निर्धनता कहलाएगी। निर्धनता के कारण बहुआयामी होते हैं, मतलब बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता निर्धनता का, आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे। नीति आयोग के अनुसार एक व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी कपड़ा मकान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर चिकित्सा की पूर्ति करने में असमर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं। चलिए ठीक है, तो हमने जो देखा वही नीति आयोग भी उसी की बात कर रहा है, क्लियर है। अब देखिए, निर्धनता के दो प्रकार होते हैं बेसिकली। एक सापेक्ष निर्धनता जिसको अपन रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, दूसरा निरपेक्ष निर्धनता जिसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। सापेक्ष निर्धनता आय में पाई जाने वाली असमानता को प्रकट करती है। सापेक्ष निर्धनता अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समानता अथवा क्षेत्र आर्थिक समानता का बोध कराती है। देखिए, सापेक्ष मतलब किसी के परिपेक्ष में देखना, मतलब दो चीजों का कंपैरिजन करना, दो चीजों की तुलना करना। तो तुलनात्मक आधार पर यदि जो गरीबी होती है जिसको हम मापते हैं तो हम क्या कहते हैं, सापेक्ष कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति एक महीने में 1,00,000 रुपए कमाता है, दूसरा व्यक्ति 70,000 रुपए प्रति मंथ कमाता है, पर मंथ कमाता है, तीसरा व्यक्ति 50,000 रुपए प्रति महीना कमाता है। अब देखिए, यदि मान लेते हैं कि उनके परिवार में चार चार लोग हैं, ठीक है, और समान परिवार है, मतलब लगभग लगभग जो बच्चे हैं वो समान, मतलब एक ही क्लास में है, मतलब कहने का मतलब उनके जो महीने के खर्चे हैं वो बराबर है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 1,00,000 कमा रहा है लेकिन उसके महीने का खर्च कितना हो, 90,000 रुपए हो, और दूसरा जो व्यक्ति वो 70,000 रुपए कमा रहा है लेकिन उसका खर्च सिर्फ कितना हो, 20,000 रुपए हो। तो ऐसा हम ये मान करके चल रहे हैं कि इन तीनों स्थितियों में जो घर के खर्चे हैं लगभग समान रूप से हैं, ठीक है ना। मान के चलते हैं कि घर के महीने का खर्च कितना है आपका, 50,000 रुपए, ठीक। तो ये जो पहला व्यक्ति 1,00,000 रुपए जो कमाता है, ये 50,000 खर्चा करने के बाद कितना बचा पाएगा, 50,000 बचा पाएगा। 70,000 वाला जो व्यक्ति वो कितना बचा पाएगा, 20,000 रुपए बचा पाएगा, और जो 50,000 वाला है वो कितना बचा पाएगा, 0 बचा पाएगा। कहने का मतलब ये है कि तीनों अपनी पूर्ति तो कर पा रहे हैं लेकिन ये जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है ये इसके सापेक्ष में गरीब है, और जो 70,000 रुपए महीना कमा रहा है वो 1,00,000 वाले के सापेक्ष में गरीब है। तो जब चीजों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेट करके, एक दूसरे से रिलेट करके अपन चीजों को यदि देखते हैं तो सापेक्ष निर्धनता या रिलेटिव पॉवर्टी कहलाती है। ऐसा विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलता है, जैसे अमेरिका वगैरह में। अमेरिका में मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी भत्ता भी आपको बहुत ज्यादा मिलता है। कहने का मतलब जो वहां के युवा बेरोजगार हैं उनको भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। विकसित राष्ट्र का मतलब क्या है, देखिए विकसित राष्ट्र के मतलब बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें सबसे एक महत्वपूर्ण मतलब ये है कि वहां के जो नागरिक है कम से कम उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही। कहने का मतलब वहां हो सकता है सापेक्ष गरीबी हो सकता है कोई 1 करोड़ कमा रहा हो, है ना, कोई 50,00,000 कमा रहा हो, कोई 1,00,000 रुपए कमा रहा हो, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, ये सब पूरी हो रही, ठीक है ना। तो विकसित राष्ट्र के अंदर आपको गरीबी देखने को मिलेगी लेकिन सापेक्ष गरीबी देखने को मिलेगी, ठीक। वहीं तो इसको अपन मापन करते हैं लॉरेंस वगैरह से, गिनी गुणांक से अपन करके देखेंगे आगे वाली स्लाइड्स में, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं निरपेक्ष गरीबी की बात करूं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की,
जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास जैसी आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो उसे निर्वेश गरीबी कहते हैं। कहने का मतलब एक सिंगल व्यक्ति है, उसे आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं और उसके साथ में हो क्या रहा है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये व्यक्तिगत आधार पर गरीबी को दिखाता है, पर्सनल लेवल पर आपकी पॉवर्टी को दिखाता है। ये ज्यादातर आपको कहाँ पाया जाता है? विकासशील राष्ट्रों में पाया जाता है। कहने का मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में आपका पाया जाता है, जैसे कि भारत, ठीक है ना। तो भारत में हेड काउंट मेथड, मतलब सिर गिनने की प्रक्रिया जिसको कहते हैं कि इतने लोग हैं पर कैपिटा इनकम, जो एक कॉन्सेप्ट अपन देखे थे पिछले लास्ट में, तो वो उसके अंदर यदि अपन बात करें पर कैपिटा इनकम को, मैं एक बार और समझाना चाहूंगा आपको। तो पर कैपिटा इनकम फॉर एग्जांपल, सिंपल यदि लैंग्वेज में हम समझें तो पूरे देश में कितनी आय हुई, जिसको अपन जीडीपी के रूप में लिखते हैं, अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी, ठीक है ना। सिंपल शब्दों में समझना चाहें, जैसे हमने पिछले बार एग्जांपल में समझा था कि एक घर में मान लीजिए 5 बच्चे हैं, किसी के पास 500 रुपए है, किसी के पास 2000 रुपए है, किसी के पास 1000 रुपए है, लेकिन एवरेज सबको मिलाएंगे तो टोटल कितना हो रहा है? 5000। तो एक बच्चे की एवरेज, एक बच्चे पे एवरेज कितना आ रहा है? 1000 रुपए का एवरेज आ रहा है। तो वैसे ही जो एवरेज होता है पर कैपिटा इनकम का, इसके हिसाब से निकालते हैं कि कितने लोग क्या है यहाँ पे भारत में गरीब है, और उस आधार पर जब हम गरीबी देखते हैं हेड काउंट मेथड से, तो वो गरीबी कहलाती है निरपेक्ष गरीबी या फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और आपने देखा होगा कि भारत में सड़कों में और रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड में, चौक चौराहों पर आपको लोग भीख मांगते हुए दिख जाएंगे, आपको लोग जिनके पास घर नहीं है वहां रहते हुए, रैन बसेरों में रहते हुए दिख जाएंगे। कई बार जो सरकार होती है या जो प्राइवेट संस्थाएं होती है, भोजन उपलब्ध कराती है, निःशुल्क भोजन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है किसके लिए है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकती। गिनी गुणांक में सापेक्ष निर्धनता को 0 से 1 के बीच दर्शाया जाता है। ये हम सब देखेंगे अभी लॉरेंस वक्र के अंदर। अपन चलिए शुरू करते हैं लॉरेंस कर्व मेथड या लॉरेंस वक्र विधि। ये लॉरेंस जो थे, मैक्सवेल लॉरेंस, उन्होंने बनाया था वर्ष 1905 में। सबसे बड़ी बात, लोगों के बीच आय की असमानता को यह दिखाता है। कहने का मतलब ये रिलेटिव पॉवर्टी को दिखाता है, सापेक्ष निर्धनता या गरीबी को दिखाता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, ये ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, आप सभी को पता होगा, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ठीक है ना। इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, यदि शून्य से यहाँ शुरुआत करते हैं तो 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे करते करते यहाँ 100% होगा, ठीक है ना। ये लोग हैं, ठीक है, एक देश में रहने वाले लोग हैं, लोगों की संख्या है, और ये उनकी आय है। 10% आय, 20% आय, 30% आय, 40% और ये 100% आय। तो एक तरफ मैंने पॉपुलेशन को रख लिया और एक तरफ किसको रख लिया? इनकम को रख लिया। अब मैं समझता हूँ कि जो पूरे देश का पैसा है, यानी पूरे देश की जो जीडीपी है, वो पूरे देशों में यदि समान रूप से बंट रही है, तो 100% जो आय है वो 100% लोगों के पास आ रही है, 90% जो आय है वो 90% लोगों के पास आ रही है, 80% आय 80% लोगों के पास, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो हम इसमें ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसा दिखेगा आपको ग्राफ? देखिए, यहां से इस पॉइंट को अपन लेंगे और इसको ऐसे करेंगे, तो ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक। ये ग्राफ जो है, आप सभी को पता होगा, इसको अपन 90 डिग्री बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री, तो ये इसका आधा हो गया, ये टोटल 90 डिग्री, ये इसका आधा, तो 45 डिग्री। तो जो लॉरेंस कर्व होता है वो कितने डिग्री पे रहता है? 45 डिग्री पे रहता है। और आप सब देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, इस पूरे कर्व में, इस पूरे ग्राफ में आपको एक लाइन दिख रही होगी जो इक्वालिटी को दिखा रही है, ठीक है। इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी। इस लाइन को क्या बोलते हैं? समानता की रेखा या लाइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक। लाइन ऑफ इक्वालिटी क्यों? क्योंकि जितनी देश की इनकम है, जितनी देश की आय है, वो पूरे 100% लोगों में बटी हुई है। यहाँ पे जितनी आय है उतने ही यहाँ पे हमको लोग दिखाई दे रहे हैं, और इस लाइन पे, इस समानता की रेखा पे एक कोफिशियंट आता है, एक गुणांक आता है, जिसको हम कहते हैं गिनी कोफिशियंट या गिनी गुणांक। और यहाँ पे गिनी गुणांक क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। इस इक्वालिटी लाइन पे, इस लाइन ऑफ इक्वालिटी पे, समानता की रेखा पे जो गिनी गुणांक होता है, गिनी कोफिशियंट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। जैसे जैसे असमानता बढ़ती जाएगी, मतलब देखिए ये कर्व इस तरीके से होता जाएगा, ये लाइन जो है समानता की रेखा से जितना दूर जाएगा ये कर्व, उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी? असमानता बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे जो चरम अवस्था है ग्राफ की, यहाँ पे गिनी कोफिशियंट बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जहां यहाँ पूर्ण समानता थी, गिनी कोफिशियंट या गिनी गुणांक 1 हो जाने पे पूर्ण असमानता हो जाती है, ठीक। क्लियर है कि नहीं आप सभी को? देखिए
यहाँ पे यदि मैं कहूँ गिनी गुणांक बराबर गिनी कोफिशियंट बराबर जीरो, तो आप समझना क्या लाइन ऑफ इक्वेलिटी की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि पूरे जो देश है या पूरा जो जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहां पे आय की असमानता नहीं है, वहां बिल्कुल समानता है, गिनी कोफिशियंट जीरो है। लेकिन यदि गिनी कोफिशियंट वन होता है तो यहाँ पे पूर्ण असमानता दिखाई देती है। कहने का मतलब गिनी कोफिशियंट जीरो से कहां तक जाता है, वन तक जाता है, यहाँ पूर्ण समानता, यहाँ पूर्ण असमानता। क्लियर है कि नहीं? चलिए, गिनी गुणांक छायांकित क्षेत्रफल और समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हमने ये समता रेखा बनाई थी, ठीक है, हमने ये समता रेखा बनाई थी। अभी हम देखते हैं कि मान लीजिए इस पे हम क्या बना देते हैं, इस हमने अभी एक लॉरेंस कर्व बनाया था, उसमें ये 45 डिग्री पे समानता की रेखा बनाई थी, ठीक है। इसके नीचे ये कर्व बनता है, ये जो कर्व है ये क्या है, ये कर्व है असमानता का कर्व, यानी लॉरेंस कर्व, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यदि हमको गिनी गुणांक की वैल्यू निकालनी है, गिनी गुणांक की हमको वैल्यू निकालनी है, तो छायांकित क्षेत्रफल, कहने का मतलब इस क्षेत्र का हम क्या कर देंगे, छायांकन कर देंगे। तो इतना जो क्षेत्रफल है इसको हम क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, और नीचे वाले क्षेत्रफल को क्या कह रहे हैं, बी। इसके नीचे जो पोर्शन बच रहा है उसको बी कह रहे हैं, इसके ऊपर को ए कह रहे हैं। तो गिनी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए, यानी जो शेडेड पोर्शन है, छायांकित क्षेत्रफल, अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी ये वाला और ये वाला। इसलिए लिखा है समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये समता रेखा है तो इसके नीचे का पूरा जो क्षेत्रफल है वो क्या कहलाएगा, ए प्लस बी कहलाएगा। तो गिनी कोएफिशिएंट बराबर ये, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम थोड़ा सा डीप में चले गए। यहाँ पे ये देखने की बात है कि गिनी कोएफिशिएंट जीरो पे जो आए, ये जो समानता की रेखा है लाइन ऑफ इक्वालिटी, यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट कितना होता है, जीरो होता है। और जब बहुत ज्यादा असमानता बढ़ जाती है, मतलब कर्व जो है एंड पे आ जाता है, तो गिनी कोएफिशिएंट बराबर क्या हो जाता है, वन हो जाता है, ठीक है ना। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक, क्लियर है कि नहीं। चलिए, भारत में निर्धनता का परिमापन कैसे किया जाता है, पॉवर्टी को मेजर कैसे किया जाता है, हम देखेंगे। भारत में निर्धनता का परिमाप, देखिए सबसे पहले तो कुपोषण के आधार पर, ठीक, कि पोषण कितना है लोगों में, ठीक, न्यूनतम आय, आय के हिसाब पर, और उपभोग, ठीक, एक होता है आय और दूसरा होता है व्यय, ठीक। आय मतलब जितना आप कमाते हैं, व्यय मतलब जितना आप खर्च करते हैं। तो आय और व्यय के आधार पर देखा जाएगा, और एक माल न्यूट्रिशन के आधार पर देखा जाएगा। एक सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, एक बार मैं और बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति के की आय कितनी है, 1 लाख रुपए, ठीक, एक व्यक्ति की आय है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज पर मंथ, और दूसरे व्यक्ति की आय है 50,000 रुपए पर मंथ, ठीक। अब मान लीजिए इस व्यक्ति का घर का महीने का खर्चा 70,000 रुपए है, तो इसकी आय कितनी थी, 1 लाख रुपए, ठीक, व्यय कितना कर दिया इसने, 70,000 रुपए व्यय कर दिए, खर्च कर दिए, बचे कितने इसके पास, मात्र 30,000 रुपए बचे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 50,000 रुपए है तो इसमें से इसका खर्चा मात्र कितना है, 10,000 रुपए, इसका खर्चा मात्र 10,000 रुपए है, इसने कितने बचा लिए, 40,000 रुपए बचा लिए। हर महीने ये इससे 10,000 रुपए ज्यादा बचा रहा है, हालांकि इससे आधी कमाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी बचत ज्यादा है, ये खर्चा कम कर रहा है। तो जिसकी आय ज्यादा है जरूरी नहीं कि वो गरीब नहीं हो सकता, व्यय के आधार पर, आय और व्यय के आधार पर बचत निकलती है, बचत के आधार पर यह निर्धारण किया जाता है कि कौन व्यक्ति कितना गरीब हो सकता है, कौन व्यक्ति कितना अमीर हो सकता है, मतलब ये भी एक तरीका है, ठीक। तो ये एक उपभोग के आधार पर होगा, एक आय के आधार पर होगा, एक कुपोषण के आधार पर होगा। तो भारत में जो गरीबी का आकलन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए आपके, कौन करता है, राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श संस्थान, कहने का मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। याद रखेंगे भारत में गरीबी और बेरोजगारी दोनों का मापन कौन करती है, NSSO करती है, और बाकी जो मापन होते हैं वो सारा मापन हम देख चुके हैं, कौन करती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, ठीक। तो गरीबी और बेरोजगारी NSSO, ठीक है ना, हर प्रत्येक 5 साल में करती है, इसका गठन हुआ था 1950 में, ठीक है। और ये आंकड़े कौन जुटाता है, तो नीति आयोग जुटाता है, पहले ये आंकड़े कौन जुटाता था, योजना आयोग, तो योजना आयोग आंकड़े जुटाता था, अब कौन जुटा रहा है जो आंकड़े हैं उसको, नीति आयोग जुटा रहा है उस आंकड़ों, उन आंकड़ों को लेकर के फिर वो गणना करती है कि भारत में कितनी गरीबी है, ठीक। चलिए, भारत में निर्धनता आकलन के मापदंड यानी कौन कौन सी समितियां, तो ये बहुत एक आसान और बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीका है इसको याद करने का, हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे गाडगिल लिखा हुआ है, दांडेकर, ठीक है, अलग, लकड़ा वाला, तेंदुलकर, रंगराजन और NC सक्सेना, इसको एक बढ़िया तरीके से हम याद कर सकते हैं,
ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, गॉड गिल, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए गॉड, ठीक, यहाँ लिखा हुआ दांडेकर तो यहाँ लिख लीजिए दंड, ठीक है, अलग लिखा हुआ है तो यहाँ लिख लीजिए अलग, ठीक, लकड़ा वाला लिखा है तो क्या लिख लीजिए लकड़ी, ठीक, तेंदुलकर, तेंदुलकर लिख लिया, रंगराजन, ठीक, और आखिरी में लिखिए सक्सेना। आपने एक शो देखा होगा भाभी जी घर पर है, ठीक, उसमें एक सक्सेना जी आते थे जिनको एक झापड़ कोई मारता सब क्या बोलते थे, आई लाइक इट, ठीक। तो देखिए याद करेंगे कैसे, निर्धनता के आकलन के लिए, गरीबी के मापन के लिए कौन कौन सी समितियां हैं, तो गॉड ने दंड दिया अलग टाइप का, क्या बोले, गॉड ने दंड दिया अलग टाइप का, लकड़ी थमाई तेंदुलकर के हाथ में, गॉड ने दंड दिया अलग टाइप का, लकड़ी थमाई तेंदुलकर के हाथ में, और रंग राजन पिटाई की किसकी, सक्सेना जी, क्या बोला मैंने, गॉड ने दंड दिया अलग टाइप का, लकड़ी थमाई किसके हाथ में, तेंदुलकर के हाथ में, मतलब लकड़ी का बैट थमाया, और जिसने रंग राजन पिटाई की किसकी, सक्सेना जी की, सक्सेना जी क्या बोलेंगे, आई लाइक इट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई लाइक इट, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। गॉड से गाडगिल समिति, दंड से दांडेकर समिति, अलग से अलग समिति, लकड़ी से लकड़ा वाला, ठीक है, तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंग राजन समिति, एनसी सक्सेना समिति, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे, आवश्यक जो चीजें हैं वो ये है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए मानक बनाए थे कि भाई देखिए गाडगिल साहब जो आए थे 1962 में आए थे, उस समय चीजें बड़ी सस्ती थी, इन्होंने कहा 20 रुपए यदि एक व्यक्ति को एक महीने में मिलते हैं, ठीक है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में वो गरीब नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, 25 रुपए जो एक व्यक्ति के पास मिलते हैं मानक, ठीक है, 24 रुपए मिलेगा तो गरीब हो जाएगा, 19 रुपए मिलेगा गांव में तो गरीब हो जाएगा, 20 रुपए है तो वो मानक है, उसको पॉवर्टी लाइन बना दिया, पॉवर्टी लाइन बना दिया, बोले इतना मिल रहा है मतलब ये गरीब नहीं है, 1962 की बात हो रही है याद रखेंगे, 1971 में चीजें बढ़ी, अब बोले पैसे के हिसाब से नहीं, कैलोरी, भाई आप सभी को पता होगा कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमको क्या मिलती है, कैलोरी, साइंस में गणेश सर ने आपको पढ़ाया होगा, तो देखिए कैलोरी जो होती है वो हम बर्न करते हैं, जैसे ही हम कोई एक्टिविटी करते हैं, किसी प्रकार का दौड़ते हैं, भागते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी कैलोरी बर्न कर रहा हूं, तो ये कैलोरी कहां से आई है, खाने से आई है, तो भाई 2435 कैलोरी पर डे चाहिए गांव के आदमी को, क्योंकि गांव का आदमी ज्यादा काम करता है, मेहनत का काम करता है, मतलब शारीरिक मेहनत ज्यादा करता है, और ये मानसिक मेहनत ज्यादा करता है, तो इसको थोड़ी सी कम कैलोरी लगेगी, 2095 कैलोरी पर दिन, तो इसको आवश्यक मान माना, यानी पॉवर्टी लाइन माना, किसने, रत्नोम दांडेकर, ठीक, अलग, वाई के अलग ने क्या बोला, 2400 कैलोरी, और यहाँ के लिए शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी, लकड़ा वाला ने क्या कहा कि सीपीआई, देखिए सीपीआई क्या होता है, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक सूचकांक होता है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो एक क्वेश्चन आता है सीपीआई के आधार पर किसने गरीबी की गणना की, तो लकड़ा वाला समिति आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब ये जो है सुरेश तेंदुलकर समिति, ये बोल रही है 816 रुपए प्रति माह, अब ये 2009 की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे 20 रुपए में काम चल रहा था, 816 रुपए प्रति माह, और यहाँ 1000 रुपए प्रति माह, यानी 27 रुपए 20 पैसा प्रतिदिन और 33 रुपए 33 पैसा प्रतिदिन यहाँ पे, ठीक है ना। अब रंग राजन समिति क्या बोल रही है, 972 रुपए प्रति माह और 32.4 रुपए प्रतिदिन जिसमें है, ठीक है, 1407 रुपए प्रति माह तो 47 रुपए प्रतिदिन, और सक्सेना जी क्या बोले हैं, सक्सेना जी ने कहा था कि 50% भारत में लोग क्या है, गरीब है, तो सक्सेना जी भरी झापड़ खा रहे हैं लेकिन बात सही बता रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, गरीबी का दुष्चक्र, देखिए गरीबी का जो दुष्चक्र था वो किसने दिया था, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, रेगनर नर्कसे, ठीक है ना, रेगनर नर्कसे, ठीक है, रेगनर नर्कसे ने किसका सिद्धांत दिया था, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया था, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आता है किसने दिया था गरीबी का सिद्धांत, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट, तो आप क्या बोल देंगे, प्रोफेसर रेगनर नर्कसे, यहां से व्यक्ति शुरुआत कर रहा है और वापस से यहाँ पे आ जा रहा है, कहने का मतलब एक गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है और गरीब का दुष्चक्र ही निर्धनता की जननी, जो प्रारंभ में निर्धनता होती है बाद में भी निर्धनता रह जाती है, कहने का मतलब ये है कि अ मैन इज अ पुअर बिकॉज ही इज पुअर, अब एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किसने कहा था, रेगनर नर्कसे, ये प्रोफेसर थे जिन्होंने गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा। अमर्त्य सेन का आप सभी ने नाम सुना होगा, है ना, अमर्त्य सेन जी का आपने नाम सुना होगा, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, भारत के अमर्त्य सेन, इन्होंने जो गरीबी रेखा बनाई थी वो कितनी बनाई थी, 1500 रुपए की गरीबी रेखा बनाई थी, और इनका कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि हमने जो शुरुआत की थी 1962 वाली, कहने का मतलब हमने देखा था 25 रुपए व्यक्ति को यदि माह में मिल रहे हैं, चलिए ठीक है मान लेते हैं 1962 था, महंगाई कम थी, 25 रुपए मिल रहे हैं तो वो गरीब नहीं है,
24 रुपए मिल रहे हैं तो गरीब है। अरे ये क्या बात है, 23 रुपए मिल रहे हैं तो गरीब है। मतलब जिसके पास में 24 रुपए है वो भी गरीब है, जिसके पास में 1 रुपए है वो भी गरीब। तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्री सोचते हैं वो थोड़ा व्यापक रूप से सोचते हैं चीजों को, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि देखो भाई 1500 रुपए की हमने पॉवर्टी लाइन बना दी, अब जिसके पास 1000 रुपए है वो गरीब तो है लेकिन कम गरीब है, जिसके पास 900 रुपए वो थोड़ा ज्यादा गरीब है, और जो सबसे ज्यादा गरीब है वो क्यों, वो सबसे ज्यादा गरीब क्योंकि उसके पास 500 रुपए है, पॉवर्टी लाइन से बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ पॉवर्टी लाइन से 1000 रुपए की दूरी है, यहाँ पे 600 रुपए की दूरी है, यहाँ 500 रुपए की दूरी, इसलिए कम गरीब ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा गरीब। कहने का मतलब आप सभी समझ पा रहे होंगे, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था इसकी रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो बड़े अर्थशास्त्री होते हैं वो इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर ही क्या करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे आप क्लियर करते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को, वैसे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है पर उसको वो अप्लाई भी करते हैं। अमर सेन ने गरीबी रेखा निर्धारण के साथ साथ विभिन्न समूहों को गरीबी रेखा से दूर करने की से की मापने की सिफारिश की। कहने का मतलब अलग अलग रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सेन इंडेक्स कहते हैं इसको, इस इंडेक्स को क्या कहते हैं, सेन इंडेक्स। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि 1997 से UNDP ने मानव गरीबी सूचकांक के आधार पर मानव गरीबी रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं इसी चीज को जो सेन इंडेक्स है उसका उसने यूज किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। गरीबी या निर्धनता के कारण क्या क्या है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, सीधी सी बात है भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो देश पे दबाव भी बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था पे भी दबाव पड़ रहा है। अब एक मान लीजिए एक व्यक्ति घर में कमाने वाला है, उसकी सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपए है, ठीक है, घर का खर्चा है 30,000 रुपए, घर का खर्चा कितना है 30,000 रुपए। एक व्यक्ति और आ जाता है नया मेंबर, बेटे की शादी हो जाती है, भाई दबे मान लीजिए बेटा बेरोजगार है, उसकी शादी हो गई तो एक मेंबर और जुड़ गया, अब खर्चा कितना बढ़ गया 40,000 रुपए, ठीक है ना। आमदनी उतनी ही, ठीक है ना, और खर्चा बढ़ गया, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो जब आमदनी उतनी ही रह गई खर्चा बढ़ गया तो बढ़ती हुई जनसंख्या क्या करेगी, गरीबी को बढ़ाएगी। हाँ यह अलग बात है कि जो नया मेंबर आ रहा है यदि ये अर्निंग में 50,000 की जगह और 50,000 रुपए जोड़ दे यानी 1,00,000 रुपए तो फिर ये 10 या 20,000 रुपए खर्चा कर सकते हैं तो भी ये गरीब नहीं कहलाएंगे। तो ये रिलेटिव बात है लेकिन आपको समझना है कि यदि जनसंख्या बढ़ती है तो दबाव भी बढ़ता है, डिपेंडेंसी भी बढ़ती है, चिरकालिक बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या। जब भाई बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, आप खुद जानते होंगे कि कोविड के दौरान लगभग 20 करोड़ लोगों का रोजगार क्या हो गया, छिन गया। जो MSME जिसकी हम बात करते हैं, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, उनका रोजगार छिन गया, ठीक है ना। निम्न पूंजी निर्माण, लोग पूंजी निर्माण नहीं कर पाते, खर्चा ज्यादा करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, स्किल का, हमारे यहाँ स्किल का बहुत ज्यादा अभाव है, इसलिए स्किल इंडिया मिशन, ठीक, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज सामाजिक कुरीतियां तो है ही है। सामाजिक कुरीतियों के कारण कुछ लोग आगे, जैसे एक सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं तो पहले कहते थे कि भाई आप अपने गांव की सीमा को पार करोगे तो पाप है, ठीक, अपने शहर की सीमा को पार करोगे तो पाप है, तो आदमी फिर कमा ही नहीं पा रहा है, अपने घर में ही रह जा रहा है, ठीक है ना। तो एक प्रकार की ये सारी जो चीजें हैं वो भी निर्धनता का कारण बनती है। आय का समान वितरण तो है ही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर, हमारे यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति का आप नाम सुनते होंगे वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और आय की असमानता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है जिसको हम गिनी गुणांक से देखते हैं। दुष्परिणाम इसके क्या होते हैं, आर्थिक समृद्धि में निम्न वृद्धि होती है, कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। अरे भाई गरीब हमने किसको कहा था, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही नहीं पा रहा है, यानी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य, तो कुपोषण और स्वास्थ्य की समस्या तो आनी ही आनी है, इसके दुष्परिणाम होने ही होने। निम्न जीवन स्तर, आयु प्रत्याशा भी नहीं रह जाती। आयु प्रत्याशा का मतलब क्या है, आयु प्रत्याशा का मतलब है जीने की इच्छा, यदि आसान भाषा में समझना चाहे कि कोई व्यक्ति कब जीना चाहेगा, कोई व्यक्ति कब जीना चाहेगा जब उसके पास में निर्धनता ना होगी, कम से कम भाई मूलभूत आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो, भूखे पेट रहने से तो मरना ही बेहतर है, आपने सुना होगा कई जगह। सामाजिक असमानता भी है हमारे यहाँ, ठीक है ना, कास्ट सिस्टम, रिलीजन के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, वर्ग के आधार पर चीजें बटी हुई हैं। हालांकि अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट तो है ही, आपराधिक घटनाओं में वृद्धि, ठीक, लूट मार चोरी की घटनाएं कोविड के दौरान भी बहुत ज्यादा बढ़ी थी, लोगों ने बहुत ज्यादा जॉब छोड़े थे, मतलब जॉब छूट गए, ठीक। गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम GDP में तेजी से वृद्धि कर सकते हैं। GDP में वृद्धि कब होगी, जब हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ेगा। आप सभी को ज्ञात होगा कि GDP क्या है, भारत की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो GDP के अंदर काउंट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू यहाँ आप चीज क्यों याद रखेंगे, घरेलू से मतलब बाउंड्री से है,
ठीक है ना। तो जीडीपी में तेज वृद्धि होगी भाई, उत्पादन में वृद्धि होगी, तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। व्यावहारिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रैक्टिकल नॉलेज भाई हमारे यहाँ कितनी जॉब जनरेट हो रही है ये सारी चीजें हमको बताना है, ठीक। तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना है, कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग हमको देनी चाहिए, आईटीआई वगैरह जो खुले हुए हैं ये सारा काम कर रहे हैं, नीति का क्रियान्वयन बढ़िया तरीके से होना चाहिए, एग्जीक्यूशन पॉलिसी का, रोजगार के लिए नए अवसर, ठीक, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक गाँव है छोटा सा और ये बड़ा शहर जुड़ा हुआ है उससे, तो इस गाँव के अंदर विकास कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पे सड़क होगी अच्छी तब, यहाँ पे अच्छी बिजली की फैसिलिटी होगी तब, यहाँ पे अच्छी पानी की फैसिलिटी होगी तब, तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री लग पाएगी। तो अधोसंरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ठीक है। भारत में गरीबी निवारण की बहुत सारी नीतियां रही हैं, रिसाव का सिद्धांत भी हमको देखने को मिलता है, लेकिन रिसाव का सिद्धांत का मतलब क्या था, सीधा सीधा यहाँ पे बड़ा ये रद्दी सा सिद्धांत था, रद्दी सा इसलिए कह रहा हूँ, आप समझ जाओगे कुछ देर में। देखिए ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भैया आप तो ये अमीर लोगों को पैसा दो, ये अपने आप रिश्ते रिश्ते कहाँ तक पहुंच जाएगा, गरीब आदमी तक पहुंच जाएगा। तो इन्होंने कह रहा कि तीव्र आर्थिक समृद्धि के लिए निष्पादन सिद्धांत को अपनाया, उच्च वर्ग की आय में वृद्धि कर दी, ठीक, रिस्क तक निम्न वर्ग तक पहुंचेगा। ये योजना असफल नहीं रही, ये योजना पूरी तरीके से फेल हो गई, ठीक, क्योंकि आर्थिक वृद्धि अपेक्षा अनुसार नहीं रही और अमीर वर्ग ने लाभ को सोख लिया। भाई कोई व्यक्ति दूसरे को लाभ क्यों देना चाहेगा यदि उसके स्वयं का लाभ नहीं है, तो आज की दुनिया कलयुग ऐसा ही है, तो कैसे रिस्क के यहाँ पहुंचेगा, ये तो सतयुग की बात हो रही है। तो 1970 से 90 के बीच में गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार किया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ठीक है ना। 1990 के बाद गरीबी के अनुमान के लिए कई सारी समितियों की रिपोर्ट, एलपीजी से भी पर्याप्त मात्रा में निवेश प्राप्त हुआ जिससे आर्थिक वृद्धि दर 6% से अधिक हो गई। आप सभी को ज्ञात होगा कि 1990 में हमारे यहाँ एलपीजी, प्रिसाइसली मैं बात करूँ तो 1991 में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कहने का मतलब जो है हमारी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र के लिए खुल गई, ठीक है ना। निजी क्षेत्र के लिए हमारी अर्थव्यवस्था खुल गई थी, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से बहुत सारा पैसा आया बाहर से और उसके कारण यहाँ पे रोजगार जनरेशन हुआ और इसलिए आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 6% से अधिक हो गई। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई और एक निश्चित सीमा तक गरीबी में क्या हो गई, कमी आई। गरीबी का प्रतिशत कितना हो गया, घट के 29.5%, जहां बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो कमी तो आई गरीबी हटाओ से, फाइव ईयर प्लान ने अच्छा काम किया, ठीक। पहले तो क्या हो गया था कि अमीर वर्ग ने सोख लिया था प्रॉफिट को, यानी असमानता बढ़ी थी, अब असमानता कम हुई। तो प्लानिंग के अंदर यदि क्वेश्चन पूछता है आपसे तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था, ठीक है ना। तो पूछेगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था, छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला था, लेकिन नारा कब दिया गया था, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में। इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो गरीबी हटाओ का नारा फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में दिया गया था, लेकिन जो सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान है उसमें भी गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चलता रहा, दोनों के समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक सेवाओं के तहत गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन यानी इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ताकि धीरे धीरे निर्धनता क्या होने लगे, तो कम होने लगे। नौवीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण वितरण और समानता के विकास पर ध्यान देकर गरीबी उन्मूलन करना, न्यायपूर्ण वितरण हो यानी सभी को बराबर चीजें, जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, बराबर बटे। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर के चलने वाली बात यदि होगी तो समावेशी विकास कहलाता है। समावेशी और समग्र विकास ये दोनों जो है ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक ये बारहवीं पंचवर्षीय योजना चली और 2015 में इसके बीच में नीति आयोग NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आ गया था। कौन कौन से प्रोग्राम थे, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, मनरेगा योजना। ये कैसे पूछता है क्वेश्चन आपसे, ऑप्शन में पूछेगा कि कौन कौन से गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो तीन होंगे एक नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, जनधन योजना, जनधन योजना से जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले थे सबके, ठीक है ना, स्वनिधि योजना, ये सारा आपको डेटा याद रखना है। आपको डेट याद नहीं भी है तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, हम क्वेश्चन भी देखेंगे। कानूनी प्रयास, लीगल एफर्ट्स, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कहने का मतलब एक न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए,
और ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें हमारे नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है कि सामाजिक सहायता देना राज्य का कर्तव्य है भाई, राज्य कर्तव्य है। क्योंकि हमारा जो राज्य कहने का मतलब, यहाँ पे जो राज्य की बात हो रही है बेसिकली वो पूरे भारत की बात हो रही है। संविधान में जब आप अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे तो आपको संविधान में अनुच्छेद 12 कहेगा कि राज्य का मतलब क्या है, देश से है, ठीक है ना। स्टेट, स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे किससे है, देश से है, ठीक है ना। तो स्टेट, स्टेट यदि मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे मतलब है देश से। तो सामाजिक सहायता देना राज्य का, राज्य का मतलब इंडिया का कर्तव्य है, ठीक है। और इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम निर्धारित करते हैं कि भाई एक कारखाने में, एक फैक्ट्री के अंदर इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए, और तब जा करके क्या होगी, चीजें संतुलित होंगी। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या है, बंधक रख के मजदूरी करवाना, पैसा वैसा ना देना, कुल मिला के शोषण करना। ये बहुत होता था कि साहूकार लोग जो रहते थे, जो व्यापारी होते थे, जमींदार होते थे, वो क्या करते थे, किसानों को बहुत ज्यादा ब्याज दरों पर वो कर्जा देते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उनको 5,000 रुपये चाहिए, ठीक है, 5,000 रुपये चाहिए तो 20% ब्याज दर पर देंगे। 20% ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपये, तो 5,000 के ऊपर 1,000 रुपये। तो हर महीना किसान जो है 1,000 रुपये पटाते पटाते उसकी हालत खराब हो जाती थी, फिर उसको बंधुआ मजदूरी करना पड़ता था। सिंपल से मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस प्रकार से इसके अंदर शोषण होता था। शिक्षा का कानूनी अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सारी, ठीक है ना। देखिए छत्तीसगढ़ सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम देने वाला भारत का पहला राज्य, मध्य प्रदेश का पड़ोसी है भाई, ठीक है, तो हमको याद रखना है इस चीज को, ठीक। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंदर अगर आप पढ़ते होंगे मिड डे मील स्कीम वगैरह जो आप पढ़ते होंगे, ठीक है ना, मध्यान्ह भोजन योजना, ठीक है। तो ये किससे आया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आया 2012 के अंदर, ठीक। अगला, संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत रोजगार का अधिकार भी तो है भाई, राइट टू, देखिए राइट टू एम्प्लॉयमेंट, यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन इसकी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप अपनी प्राइवेसी भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना, आपकी प्राइवेसी को कोई डिस्टर्ब ना करे, इसका अधिकार आपको कौन देता है, अनुच्छेद 21 देता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, ठीक, ये भी कौन सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 21 सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, कहने का मतलब मूल अधिकार है, ठीक। सामाजिक सेवाओं के माध्यम से, सोशल प्रोविजन के माध्यम से, स्व सहायता समूह के गठन के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनके माध्यम से क्या करना, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन करना, एनजीओ के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम चलाना, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा। चलिए अब सवाल देखते हैं, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है, सामाजिक आर्थिक बहुआयामी, तो बताइए कौन सी होगी भाई। बहुआयामी हमने पहली स्लाइड में देखा था, ठीक है, बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं निर्धनता के, ठीक। हो सकता है आमदनी अच्छी हो लेकिन खर्चे ज्यादा हो, ठीक है, हो सकता है बेरोजगारी हो, ठीक है, हो सकता है किसी प्रकार की कोई आपदा आ गई हो, जैसे कोविड के समय रोजगार छीन गया, ये सारी चीजें हो सकती है। तो बहुआयामी इसकी प्रकृति है, ये किस प्रकार की समस्या है, निर्धनता, पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है, देखिए कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है, IRDP, RLEGP, NREP, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये जो सारे प्रोजेक्ट है, तीनों के तीनों प्रोजेक्ट हमने देखे हैं, ये पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी दूर करने के प्रोग्राम है। लेकिन ये जो MRTP है, इसका फुल फॉर्म है मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। क्या था कि पहले निजी क्षेत्र में मोनोपोली थी, ठीक है, कुछ कंपनियों की मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को हटाने के लिए MRTP एक्ट लाया गया था। तो ये जो है ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम नहीं है, निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, MRTP, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। निजी क्षेत्र में एकाधिकार को खत्म करने के लिए ये लाया गया था MRTP, निजी क्षेत्र में एकाधिकार को खत्म करने के लिए। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन 32 रुपए, शहरी क्षेत्र में 47 रुपए, बताइए किसने निर्धारण किया है, हमने देखा था, ठीक है ना, सहायता की गॉड ने अलग टाइप का, ये सारी चीजें हमने देखी थी, कौन सा होगा बताइए। चलिए मैं आपके लिए खोली देता हूँ स्लाइड, चलिए देखिए कौन सा होगा बताइए, रंगराजन, रंगराजन ने कहा था 32 रुपए प्रतिदिन गांव के लिए और 47 रुपए प्रतिदिन किसके लिए, शहर के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरे स्लाइड में से अपने को ध्यान रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो किसने कहा था कि
ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 और शहरी क्षेत्र में 47 रुपए। तो किसने कहा था? रंगराजन ने कहा था, रंगराजन समिति या रंगराजन कमेटी। निम्नलिखित में किस समिति की नियुक्ति निर्धनता आकलन के लिए, निर्धनता आकलन के लिए नहीं की गई थी, ठीक है। तो गॉड ने दंड दिया अलग टाइप का, तो ये तो अलग टाइप का, लकड़ी थमाई तेंदुलकर के हाथ में रंगराजन पिटाई की, विजय केलकर नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे आप आसान तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक। आय का वितरण मापा जाता है, बताइए, लॉरेंस वक्र से, लॉरेंस कर्व से, भूलेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। इस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन निकालता है? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और निर्धनता सूचकांक उसने अपनाया था 2010 के अंदर, ठीक है ना। बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन, प्रतिवेदन जो है 2021 में किसने जारी किया था? भारत में। विश्व की बात हो गई, भारत में कौन करेगा? नीति आयोग करेगा, ठीक। राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार इस राज्य की सबसे गंभीर समस्या क्या? किसी भी राज्य की गंभीर समस्या क्या है? निर्धनता है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर बेरोजगारी क्यों नहीं? क्योंकि बेरोजगारी रहने से ही, बेरोजगारी होने से मतलब बेरोजगारी भी एक कारण है किसका? निर्धनता का। तो अल्टीमेट जो चीज है, जो अल्टीमेट प्रॉब्लम, वो क्या है? निर्धनता। अब इसको दूर करने के उपाय क्या है भाई? एक रोजगार बढ़ाओ, आय के अवसर बढ़ाओ, ठीक है ना, स्किल डेवलपमेंट करो, तो निर्धनता की समस्या, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है, ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नीति आयोग निर्धारण करता है, ठीक। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2021 में बहुआयामी निर्धनता का क्या घटक है? कौन कौन से घटक है भाई? निर्धनता सर आपने बता तो दिया कि नीति आयोग ने क्या किया। नीति आयोग ने बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन 2021 में जारी किया नीति आयोग ने, ठीक है सर। लेकिन इसमें कौन कौन सी चीजों को उसने रखा? तो नीति आयोग ने रखा सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, दूसरा एजुकेशनल जो चीजें थी, शैक्षिक स्थिति, भाई एजुकेशन की जो स्थिति है, एजुकेशन की जो स्टेट है, शैक्षिक स्थिति की, भाई शिक्षा का क्या स्तर है, प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, उस व्यक्ति का शिक्षा का स्तर देखेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति देखेंगे। कहने का मतलब देखिए, यहाँ से रोटी कपड़ा मकान पूरा हो रहा है, खाने को तब मिलेगा, पहनने को तब मिलेगा, रहने को घर तब मिलेगा जब क्या अच्छी होगी, आय अच्छी होगी, उसके बाद में शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए और स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य भी जब अच्छा होगा, जब ये सारी चीजें आएंगी, तो ये बहुआयामी निर्धनता का घटक बनेगा नीति आयोग के लिए। कब? नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता के लिए जो उसने एक डायमेंशनल पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिलीज किया है, उसके ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, उसके ये सारे घटक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए, अगले सेशन में मिलते हैं। राम राम।